ओम शांति। आज के इस वीडियो में दादी प्रकाश मणि, जो मम्मा के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रशासनिक प्रमुख बनी और दादी प्रकाश मणि जी का बड़े स्तर पर इस संस्था में योगदान है, उनके बारे में आगे बताया जाएगा। प्रकाश मणि जी का जन्म 1922 में उत्तर भारतीय प्रांत हैदराबाद के सिंध जिले के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। प्रकाश मणि जी के बचपन का नाम रमा था और अपने पिता की तरह उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति गहरी प्रेम और भक्ति था। दादी प्रकाश मणि केवल 15 वर्ष की थी जब वह पहली बार ओम मंडली के संपर्क में आई, जिसका गठन निराकार परमात्मा शिव द्वारा दादा लेखराज के माध्यम से किया गया। दादी प्रकाश मणि जी के पिताजी भी ओम मंडली से जुड़े हुए थे। बात उन दिनों की है जब दादी प्रकाश मणि दिवाली की छुट्टियां अपने घर पर मना रही थी। पिता के कहने पर रमा ओम मंडली द्वारा आयोजित सत्संग में गई, जहां ब्रह्मा बाबा द्वारा मुरली सुनाया जा रहा था, और रमा मुरली में इतना खो गई कि उन्हें श्री कृष्ण के साथ उनके सुंदर बगीचे में घूमते हुए का दर्शन हुआ। आने वाले दिनों में रमा को यह दृष्टि प्राप्त हुआ कि ब्रह्मा बाबा ने जो दर्शन और प्रवचन दिए थे, वे स्वयं निराकार भगवान शिव के थे। रमा ने 1936 में 14 वर्ष की अल्पायु में मानवीय पीड़ा को समाप्त करने के लिए आध्यात्म को चुनी और अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया। रमा को निराकार परमात्मा शिव द्वारा एक नया नाम प्रकाशमणि मिला, जिसका अर्थ होता है प्रकाश का गहना। ओम मंडली मार्च 1950 में कराची से माउंट आबू स्थानांतरित हो गई। भारत आने के बाद जैसे जैसे सेवा बढ़ती गई, वैसे वैसे केंद्रों की संख्या भी बढ़ती गई। दादी प्रकाश मणि ने भी सर्विस पर जाकर बहुत सेंटर खोले। दादी मुख्य रूप से मुंबई में सेवारत थी। 1965 तक दादी मम्मा के संरक्षण में रहीं, जिनसे उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहा। 1965 में जब मम्मा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, तो दादी को अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभाने के लिए उनके स्थान पर रखा गया। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिव्य अवस्था को प्राप्त हुए, तो सारी जिम्मेदारी दादी के कंधों पर आ गया। दादी प्रकाशमणि ने दादी मनमोहिनी के साथ मिलकर संगठन की प्रशासनिक जिम्मेदारी साझा करते हुए संगठन को बहुत सुचारू और कुशल तरीके से चलाया। शांतिपूर्ण और सहकारी वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में दादी प्रकाशमणि और ब्रह्मा कुमारियों के निस्वार्थ और निरंतर योगदान के कारण ब्रह्मा कुमारियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, और संगठन की ओर से दादी प्रकाशमणि को 1987 में संयुक्त राष्ट्र से शांति दूत का पुरस्कार मिला। दादी प्रकाशमणि 1969 से 2007 तक ब्रह्मा कुमारीज की प्रशासनिक प्रमुख रहीं। 1994 में दादी प्रकाश मणि के नेतृत्व में शांति सरोवर का निर्माण हुआ। 25 अगस्त 2007 के दिन दादी प्रकाश मणि अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और दिव्य अवस्था को प्राप्त हो गई। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जाने के बाद भी दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं। हमारी प्यारी दादी प्रकाश मणि ऐसे ही रत्नों में से एक हैं, जो अपनी स्मृतियों के माध्यम से आज भी अमर हैं। दादी प्रकाश मणि जी की याद में मधुबन में प्रकाश स्तंभ बनाया गया है, जिस पर दादी की दी हुई शिक्षाएं लिखी गई है। ओम शांति।